तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के साथ रमजान स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन समोसा। बहुत ही सिंपल वे में बनाएंगे इसको और झटपट से रेडी हो जाएंगे ये। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक बड़े साइज़ का वॉक ले लेंगे, जिसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल को अच्छी तरीके से गरम करेंगे। यहाँ पे मैं 1/2 kg चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन का कीमा है ये। इसको तकरीबन भी 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि चिकन का जो पानी है वो रिलीज़ भी हो और ड्राई भी हो जाए, क्योंकि उसमें स्मेल होती है, तो ड्राई करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 kg प्याज। आप कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा पसंद की जाती है, इसलिए मैंने 1 kg ऐड की है। बस अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं इसको हाई फ्लेम पे कवर करके तकरीबन भी 10 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि जो प्याज है उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो इसका लिड रिमूव करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो प्याज है वो 1/2 in क्वान्टिटी हो गई है। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे सारे स्पाइसेस, जिसमें 4 टेबल स्पून सोया सॉस है, 1 teaspoon ये सारे स्पाइसेस हैं, जिसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड चिली फ्लेक्स हैं। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है और 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है। मोटा मोटा कूट लिया है इसको मैंने। यहाँ पे 8 से 10 हैं हरी मिर्चें, इनको बारीक चॉप कर लिया है, ये भी ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। यहाँ पर फिलिंग जो है हमारी वो बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। बस अच्छे से मिक्स करना है इसको हाई फ्लेम पर ही। चूल्हे को करेंगे बंद। यहाँ पर मैं करूँगी 1 bunch हरे धनिए का ऐड। इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। फिलिंग बिल्कुल रेडी है। अब आपने इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल प्रॉपर ठंडी होनी चाहिए ये। देखिए, ये हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल ठंडा हो गया है। ये शीट्स भी आ गए हमारे पास। और ये मैंने आटा दिया है 1 टेबल स्पून, और इसको मैंने पानी के साथ घोल दिया है। ये हमें समोसों को स्टिक करने में काम आएगा। तो बस अब समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक समोसा शीट ले लेंगे हम। इसका ये वाला जो कॉर्नर है इसको उठा के ऐसे इधर रखेंगे, मिक्सचर लगाएंगे इधर, फिर इस वाले पॉइंट पे फिंगर रख के आपने इसको ऐसे यहाँ रखना है। ये देखें, एक अच्छी सी पॉकेट बन गई। मेक श्योर ये वाला जो होल है वो बिल्कुल बंद हो। बस 1 टेबलस्पून फिलिंग डालेंगे इसमें। इसको ऐसे नीचे रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लगाएंगे, ऐसे उठाएंगे और इस वाले होल से बंद करेंगे। बस यहाँ पे भी थोड़ा सा मिक्सचर लगाएंगे और इस वाले होल से ऐसे बंद करेंगे। बस देखें, समोसा बिल्कुल रेडी है और कोई भी पॉइंट इसका खुलावा नहीं है। खुलावा नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि अगर इसका कोई भी होल खुलावा होता है तो उसमें ऑयल जाता है और फिर जो अंदर की फिलिंग है वो फ्राई हो जाती है और बहुत अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। बस रखते जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। ये वाला पॉइंट उठाएंगे, इधर रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मिक्सचर लगाएंगे, यहाँ पे फिंगर रखेंगे और इस पॉइंट को अच्छे से बंद कर देंगे। ये देखिए, आपका पॉकेट बन गया अच्छे से। 1 टेबलस्पून मिक्सचर लेंगे, फिल करेंगे इसमें, नीचे रख देंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे फिलिंग लगाएंगे। इस होल को प्रेस करते हुए आपने इसको बंद करना है। बस अब यहाँ पे ये रह जाएगा। तो यहाँ से इस होल को प्रेस करते हुए आपने बंद करना है। देखें, ये भी रेडी हो गया, सब जगह से बंद है। तो ये देखें आप, मैंने इस तरीके से पहले बेस में समोसे रखे खोल खोल के, आपस में चिपकने नहीं चाहिए। उसके ऊपर मैंने एक और थैली रखी है, फिर मैंने समोसे रखे इस तरीके से लेयरिंग करके। मैंने समोसे इस तरीके से बॉक्स में कर दिए। बस इसको कवर करके आप 15 to 20 डेज़ के लिए आराम से फ्रीज़र में रख सकते हैं।
यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को हम मीडियम हॉट गरम कर लेंगे, ना बहुत ज़्यादा गरम हो ना बहुत कम गरम हो। उसके बाद हम सारे समोसे ऐड करना शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भरना अपने फ्राइंग पैन को और 2 से 3 मिनट तक आपने चमचा नहीं चलाना है बिल्कुल भी, क्योंकि जब हम समोसे ऐड करते हैं ऑयल में तो जो समोसा शीट्स होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। तो आपने 2-3 मिनट का वेट करना है ताकि समोसे थोड़े से फर्म हो जाएं। जब 2-3 मिनट गुजर जाएंगे तब हल्के हाथ से आप इसको फ्लिप करना स्टार्ट करेंगे 2-3 मिनट के लिए और इसी तरीके से पकने देंगे ताकि दोनों साइड्स इसकी फर्म हो जाएं। उसके बाद हल्के हाथ से आपने इस तरीके से चमचा चलाते रहना है। इससे हमारे जो समोसे होते हैं वो बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो बस तकरीबन भी 7 से 8 मिनट तक के लिए हम इसको इस तरह से फ्राई कर लेंगे। बस अब हम इसे निकाल लेंगे एंड सी कितने क्रिस्पी बने। बस इसे डिश आउट करेंगे आप। तो ये देखें, समोसे हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो गए एंड लेट मी शो इट टू यू कि ये कितने क्रिस्पी हैं और मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये लग कैसे रहे। ये ले लेंगे एंड इट्स वेरी हॉट। ट्रस्ट मी, इतने मज़े के बने हैं और ये बहुत शदीद गर्म हो रहे हैं। तो बस अब आप लोगों ने भी जाना है, बनाना है और मुझे बताना है कि किस तरीके के बने। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कॉन्टेंट।